और डियर स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो? मैं मुकेश कुमार जोशी। आज की जो कि एपीजी पीएचडी की पहली जो क्लास है, फर्स्ट जो पार्ट है, उसमें आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो देखो बच्चों, आज की जो क्लास है एपीजी पीएचडी, अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर अपना द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका है, और उसमें जो भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो टेक्स्ट बॉक्स में, या फिर जल्दी आपको एक तरह से ये मान लो कि टेलीग्राम वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, उसके अंदर आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उसके अंदर क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज अपन जो नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है एपी जीपी एचपी। एपी मीन्स एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक है। और जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी, और एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हरात्मक श्रेणी, ठीक है। ये चैप्टर जब अपन पढ़ें, उससे पहले मैं आज की जो पहला जो पार्ट है उसके अंदर एक बहुत ही शानदार चीज बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों को क्या है कि मैं जो आज चीज बताने जा रहा हूँ ना, वो कई बच्चों को तो पता ही नहीं है, और या मैं ये कहूँ कि बताने वाला टीचर है वो इस चीज को बताता है तो उसको आधी अधूरी बताता है, तो बच्चों के समझ में नहीं आती है। तो मैं ये चाहूंगा और इतना एफर्ट डालूंगा इस वीडियो के अंदर कि आप खुद ही इस चीज को लाइक करें, सर वास्तव में आप बहुत अच्छी चीज हमने सीखी है। तो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी तो अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में, लेकिन उससे पहले जो इस चैप्टर के अंदर जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, वो जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ, उस चीज को आप देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले क्या बताया मैंने, अनुक्रम। अनुक्रम को अंग्रेजी में कहते हैं सीक्वेंस, ठीक है। तो बेटा अनुक्रम क्या होता है, किसे कहते हैं अनुक्रम? तो अनुक्रम है ये संख्याओं का ऐसा समूह है। अनुक्रम जो होता है, सीक्वेंस जो होती है, वो संख्याओं का ऐसा समूह है जो एक विशेष नियम अपन रूल कह सकते हैं, ठीक है। तो विशेष नियम, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि लॉजिक, एक लॉजिक से व्यवस्थित होता है। तो संख्याओं का एक ऐसा समूह जो कि विशेष नियम या लॉजिक, कोई नियम रूल भी लग सकता है या कोई लॉजिक भी हो सकता है, उससे क्या होता है, व्यवस्थित होता है। और जो जितने भी आपने संख्याएं होती हैं, दीज आर सेपरेट बाय कोमा, वो किससे अलग अलग होती हैं, कोमा लगा करके अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे देखो, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने लिखा एक, मैंने लिखा वन टू थ्री फोर फाइव एंड सून, ठीक है। और मैं इसको मान लो ये लिख दू कि अप टू इनफाइनाइट, इसका मतलब सुन गए, इनफाइनाइट तक जा रही आगे। इसी प्रकार से मान लीजिए मैंने ये लिखा दो चार छ आठ एंड सून, और मान लो कि अप टू इनफाइनाइट लिख दिया। ऐसे ही मान लीजिए मैंने लिखा एक तीन पांच सात, इस तरह से, और वो जो भी मान लो कि वही अप टू इनफाइनाइट। या फिर मान लीजिए मैंने ये लिखा कि दो तीन पांच सात एंड सून इनफाइनाइट, अब कोई अप टू इनफाइनाइट। ऐसे मैंने लिखा मान लो कि चार छ आठ नौ भी आ जाएगा, नाइन टेन, इस तरह से, ठीक है। तो ये मैंने कुछ संख्याएं लिखी है, ऐसे आप बहुत सारी संख्याएं लिख सकते हो। तो देखिए बेटा, इसमें पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जैसे मान लो कि मैंने अप टू इनफाइनाइट कर दिया, इसमें मैं इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई कि इतने पदों तक। तो कहने का मतलब ये तो आप समझ गए होंगे कि जो सीक्वेंस अनुक्रम होता है वो दो प्रकार का होता है अनुक्रम। एक तो क्या होता है, एक तो होता है परिमित रेखा या परिमित। तो अगर पदों की संख्या जो है ये प्रथम, ये दूसरा, तीसरा, इस तरह से पद हैं, इसमें क्रमश हैं, ये अनंत होंगे तो अपरिमित हो जाएगी, सीमित होंगे, निश्चित होंगे तो परिमित अनुक्रम हो जाएगा, सीक्वेंस हो जाएगा।
अब इनमें नियम देखिए, इसमें कुछ ना कुछ नियम लग रहा है। अब आपको सबको पता है कि नियम क्या लग रहा है, ये नियम लग रहा है कि इनमें सब में एक एक का डिफरेंस है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इसमें एक नियम, कोई रूल फॉर्मेट लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी लग रहा है दो दो का डिफरेंस है, ठीक है, इसमें भी लग रहा है। तो ये क्या है, वैसे ये क्या है, सारी सम संख्याएं हैं, ठीक है, दो दो का डिफरेंस है। ये सारी क्या है, विषम संख्याएं हैं, इनमें भी वैसे दो दो का डिफरेंस है। और ये क्या है, ये अभाज्य संख्या है। पहली सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, दो, और दो ऐसी सम संख्या जो कि अभाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर जिसको अपन बोलते हैं। तो ये प्राइम नंबर्स हैं, दो, तीन, पांच, सात, इस तरह से, ठीक है। ये क्या है, छह, चार, छह, आठ, नौ, दस, ये है अभाज्य संख्या जिसको अपन कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिनका जो गुणखंड होते हैं वो दो से ज्यादा होते हैं। अभाज्य संख्या मतलब क्या होता है, दो ही होते हैं, क्या होते हैं, तो खुद होती रही, एक होती है, इस दो का गुणखंड है ना, दो का गुणखंड एक, तो एक होगा एक दो होगा, इसके अलावा नहीं होंगे। जिस संख्या के फैक्टर जो होते हैं गुणखंड होते हैं, दो होते हैं, वो क्या कहलाती है, अभाज्य कहलाती है। और दो से ज्यादा, जैसे मान लीजिए चार है, तो चार के गुणखंड क्या क्या हो गए, एक हो गया, दो हो गया, खुद चार हो गया, तो दो से ज्यादा गुणखंड हो गए, तो दो से ज्यादा जिसके गुणखंड होते हैं वो कौन से हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है, कंपोजिट नंबर है, समझे। तो ये भाज्य संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो कोई ना कोई नियम से, लॉजिक से, रूल से, किसी ना किसी विशेष स्पेसिफिक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये सारे नंबर है वो क्या है, व्यवस्थित है, इसलिए इसको अपन क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। समझ में आ गया सबको अच्छी तरह से, अच्छी बात है। चलो बेटा, अब अगली चीज बता रहा हूं मैं, इसको मिटा के चलता हूं, सबको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत आप पूछ सकते हो। अनुक्रम सीक्वेंस संख्याओं का ऐसा समूह है जो कि संख्या किसी विशेष नियम के अकॉर्डिंग क्या होती है, अरेंज की हुई होती है, अरेंज, ठीक है, विचार अरेंज बाय द स्पेसिफिक रूल या फिर लॉजिक, ठीक है, एंड इच टर्म्स ऑलवेज सेपरेट बाय द कॉमा, ठीक है, इट्स ओके, मिटा दूं। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, अनुक्रम के बाद में मैं आपको बता रहा हूं, इसी को मैं समझाऊंगा बेटा, सभी को देखना बहुत अच्छे तरीके से। अनुक्रम के बाद में मैं आपको बता रहा हूं श्रेणी, क्या बता रहा हूं, श्रेणी, एस ई आर आई टी एस, सीरीज, अनुक्रम के बाद में क्या बता रहा हूं, श्रेणी, सीरीज। तो बेटा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको अनुक्रम बताया था, सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस के बाद में अब सीरीज कर रहे हैं। तो सीरीज में क्या है कि ये जो आपके अभी ये वही एग्जांपल ले रहा हूं, सारे ओके वही एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने मिटाई नहीं इनको एग्जांपल को, ठीक है। तो जितने भी ये टर्म्स किसके थे, ये पहले किसके थे, अनुक्रम के, ठीक है। अब अगर इन सब में मैं प्लस कर दूं, सम कर दूं, मतलब योग कर दूं इनका, इस तरह से कर दूं, ठीक है, इस तरह से इनमें सब में प्लस कर दें तो क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी, श्रेणी बन जाएगी, समझे। तो देखो ये बन गई इस तरह से, सब में मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। तो जो कहने का मतलब अनुक्रम में तो जो टर्म्स होते हैं लगातार, क्रमागत, सक्सेसिव, क्रमागत जो टर्म्स होते हैं, पद होते हैं, वो सेपरेट बाय कोमा, ठीक है, कोमा के द्वारा लगे होते हैं, और श्रेणी में किसके द्वारा होते हैं, प्लस लगा करके होते हैं, बाकी और कोई वही नहीं, बाकी वही टर्म्स है, वही किसी निश्चित नियम लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, बट एवरी टर्म्स के बिटवीन में क्या लगाया जाता है, प्लस लगाया जाता है। समझ आ गई सभी बच्चों को, तो इस तरीके से इसको अपन क्या बोलेंगे, श्रेणी बोलेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बच्चे आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो कोई बहुत विशेष इसमें डिफरेंस नहीं है, केवल कोमा और प्लस का ही फर्क है। तो शायद जहां तक मैं समझता हूं, सभी बच्चों को अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस और श्रेणी यानी कि सीरीज दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा के चलूं इनको, मैं फिर से नहीं मिटाऊंगा, इसको ऐसे रख रहा हूं। आगे जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, वो टॉपिक तीसरा जो है वो अपन बता रहे हैं इसके अंदर क्या, श्रेणी, क्या बता रहे हैं, श्रेणी, जिसको कहते हैं प्रोग्रेशन, 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 आगे बात समझ में। तो बेटा पहले मैंने क्या बताया आपको, अनुक्रम, फिर क्या बताया मैंने आपको, श्रेणी, और अब क्या बताने जा रहा हूं, श्रेणी। समझ में आया फर्क, समझ में आया, सीक्वेंस बता दी, सीरीज बता दी, और अब क्या बताने जा रहा हूं, प्रोग्रेशन। हमारे जो समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी नहीं होती है, श्रेणी होती है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो उसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो श्रेणी या प्रोग्रेशन क्या होती है, ठीक है। तो आप ये मान लें
कि जो अनुक्रम होते हैं, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि श्रेणी में जो पद होते हैं उनके बीच में प्लस या फिर कोमा दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, प्लस भी लगा सकते हैं और कोमा भी लगा सकते हैं। तो आज के बाद में आप कभी भी ये चर्चा नहीं करेंगे कि सर इनके पदों के बीच में प्लस लगाएं या कोमा लगाएं। आप ये कहें सर ये प्लस लगाया हुआ है, प्लस लगाया हुआ तो श्रेणी होती है, तो मैं आपको बता दूं कि श्रेणी के अंदर प्लस लगा करके भी डिनोट किया जाता है कहीं पर, और कहीं पर कोमा लगा करके भी किया, दोनों से डिनोट करते हैं। तो ये थोड़ा सा मिसगाइड ना हो, कोमा भी लगाते हैं और प्लस भी लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं तो फिर आप ये कहेंगे सर फिर सीरीज में, फिर आप ये कहेंगे सर सीरीज में यानी कि श्रेणी में और श्रेणी में फिर क्या फर्क हुआ था प्लस लगा लेंगे, तो मेन जो डिफरेंस है उसकी बात करता हूं मैं। बेटा ये देखो कि ये अपने पास एक तरह से श्रेणी है सारी, ठीक है, और मैंने क्या कहा कोमा भी लगा सकते हैं, तो चाहे प्लस लगा के यानी श्रेणी लिखी हुई हो और चाहे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे मान लो कि कोमा लगा दिया यानी कि अनुक्रम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे कोमा लगा दें इनके बीच में और चाहे इनके बीच में प्लस लगा दें, कोई गलत नहीं होगा, दोनों ही लगते हैं, ध्यान रखना। अब कोमा लगा दिया मान लो, तो आपको सबको पता है कि कोमा लगाने से ये अनुक्रम तो है, पहले शुरू में बताया था अनुक्रम तो है, लेकिन क्या ये श्रेणी है? तो इसका तो जिस अनुक्रम का nth क्रम nवां पद ज्ञात किया जा सकता है तो वो तो होगी श्रेणी, वरना नहीं होगी, समझे। बस इतना ध्यान रखना सभी, तो आप इसमें लिख लेंगे कि वह अनुक्रम जिसका nth पद ज्ञात किया जा सके श्रेणी कहलाती है। तो वह अनुक्रम जिसका nवां पद nth क्रम जनरल क्रम निकाला जा सके वो क्या कहलाती है? श्रेणी कहलाती है। थोड़ा सा मैं इसके बाद में आप ये बाद में लिखेंगे एग्जांपल, उससे पहले आप एक चीज और लिखेंगे कि सीक्वेंस सीक्वेंस, ठीक है, सीक्वेंस यानी श्रेणी। अब इसको दो भाग में पांच वर्ष से कर लिया, अगर किसी श्रेणी, ये क्या है, ये सॉरी सीक्वेंस है ना अनुक्रम, ये क्या है अनुक्रम, ठीक है, सीक्वेंस यानी अनुक्रम। अब इस अनुक्रम को दो भाग में बांट लिया कि अगर इसका nवां पद निकलता है एक nवां पद नहीं निकलता है, नहीं का मतलब क्रॉस कर दिया मैंने, तो अगर इसका nवां पद निकलता है सीक्वेंस का यानी कि अनुक्रम का nवां पद निकलता है तो ये क्या होगी, ये श्रेणी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, श्रेणी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप उसको अनुक्रम भी तो कह सकते हैं, अनुक्रम तो है ही है, अरे अनुक्रम तो है ही है, तो जो अनुक्रम है वह श्रेणी भी हो सकता है, अनुक्रम तो है ही है, क्यों, अनुक्रम तो पहले से था, लेकिन अगर उसका nवां पद निकल गया तो श्रेणी भी हो जाएगी उसको। लेकिन अगर कोई अनुक्रम और श्रेणी हो गया दोनों, और अगर किसी अनुक्रम का nवां पद नहीं निकलता है तो ओनली वो क्या होगा, अनुक्रम ही होगा, ओनली क्या होगा, अनुक्रम ही होगा, उसको क्या नहीं बोलेंगे। तो सीधी सी बात है कि अनुक्रम का nवां पद निकले तो श्रेणी भी बोल सकते हैं उसको, अनुक्रम भी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि प्रत्येक श्रेणी अनुक्रम होती है, लेकिन हर अनुक्रम श्रेणी नहीं हो सकता, वही अनुक्रम श्रेणी होगा जिसका nth क्रम ज्ञात किया जा सके। जैसे ये है, तो इसका अगर मैं nth क्रम यानी tn nवां क्रम से निकालूं, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ऐसे करें तो 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3, तो n के पद में n आ जाएगा। अब इसका nवां पद निकालने के लिए आप n की जगह 1 रखेंगे, पहला आ जाएगा, 2 रखेंगे, दूसरा आ जाएगा, 3 रखेंगे, तीसरा आ जाएगा। तो ये क्या है, एक प्रोग्रेशन है, श्रेणी है, ठीक है, nवां पद निकाल सकते हैं। ये क्या है, तो इसका देखो tn इक्वल टू tn, अच्छा ये समझ में आ गया होगा कि n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इसमें कैपिटल n नेचुरल नंबर में 1 2 3 इसमें रखेंगे हो जाएगा अनंत तक ना, टू इनफाइनाइट ये है। तो इसके अंदर n की जगह nवां टर्म इसका 2n और वेयर आर n बिलोंग्स टू n। अब इसमें 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, इसका nवां पद निकल रहा है, तो ये भी एक श्रेणी है, ठीक है। 1 3 5 7 ये है, तो इसका nवां टर्म जो आप निकालेंगे tn इक्वल टू, तो वो आ जाएगा 2n-1 वेयर ऑल n बिलोंग्स टू n, n का मान कोई प्राकृत संख्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से 1 2 3 इसमें रखेंगे तो आपके पास 1 3 5 यानी कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स विषम संख्याओं का समूह चला जाएगा, दैट इज सेट ऑफ इवन नंबर्स सम संख्याओं का समूह चला जाएगा, दैट इज सेट ऑफ
दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें देखो 2, 3, 5, 7, क्या इसका एन नंबर बता सकते, नहीं बता सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एक सिमिलर है रूल है वो नहीं लग रहा है, क्योंकि दो के बाद में एक डिफरेंस, फिर दो डिफरेंस, फिर दो डिफरेंस, फिर दो नहीं आएगा, जैसे सात के बाद में बाद संख्या कौन सी आएगी पता आपको, 11 ही आएगी, तो अब 4 का हो गया। हाँ, तो इसमें कोई फिक्स डिफरेंस नहीं हो रहा, कोई सही नियम नहीं लग रहा, लेकिन एक लॉजिक जरूर लग रहा है। तो यहाँ इसमें लॉजिक लग रहा है, ऐसा नहीं कि नियम, मैंने क्या लिखा था पहले शुरुआत में आपको, अनुक्रम किसे कहते हैं जिसमें कोई नियम रूल या लॉजिक लगे, तो इसमें रूल तो नहीं लग रहा लेकिन एक लॉजिक लग रहा है, और लॉजिक है अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो ये अभाज्य संख्या है, इसमें लॉजिक है, लेकिन इसका एन वां टर्म आप नहीं निकाल सकते, ऐसा कोई एन टर्म आप नहीं निकाल सकते जिसमें आप एक रखें तो अलग क्रम से आ जाए, दो रखें तो याद आए, तीन रखें तो याद आए, ऐसा नहीं निकाल सकते, इसलिए ये क्या नहीं है, ये अनुक्रम है, ये सीक्वेंस है, बट प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणी नहीं है, समझे। ये है भाज्य संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स 4, 6, 8, इसका भी आप एनवा टर्म्स टू नॉट बी फाइंड, ठीक है, आप इसका एनवा टर्म नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी क्या है, ये भी क्या है, ये भी एक अनुक्रम है, श्रेणी नहीं है, तो जिस अनुक्रम का आप nth क्रम फाइंड आउट कर सके वो श्रेणी होगी, वरना वो अनुक्रम रहेगा, बाकी मैंने अच्छी तरह से समझा दिया। तो मैंने आपको सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन यानी कि अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी, तीनों में फर्क भाई एग्जाम्पल समझाए हैं, सभी बच्चों के एकदम क्लियर हो जाना चाहिए आज के बाद में, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज और है मैं आपको बता दूं, एक मैं इस सीक्वेंस के अनुक्रम की बात करता हूं बिटा के, चलो इसको समझ में आ रहा है सबको, चलो एक नॉलेज दे देता हूं मैं आपको एक छोटा सा, एक अपने सीक्वेंस, एक सीक्वेंस और चलती है अपने सिलेबस में नहीं है वैसे, लेकिन बताता हूं आपको, उसको बोलते हैं फाइबोनेसी। अब इसको देखो फाइबोनेसी भी बोलते हैं, फाइबोनेकी भी बोलते हैं, अलग अलग राइटर अलग अलग बोलते हैं, लेकिन जो भी है आगे अपन ये कहें कि सीक्वेंस, तो समझ गए इसका नाम, समझ गए सभी, फाइबोनेसी सीक्वेंस, ठीक है। इसको अपन, ये फॉरेनर है, एक फॉरेनर जो मैथमेटिशियन था उसके द्वारा देखिए फॉरेन में चलती है, अपने जो जो इंडिया में जो चलती है इसका नाम होता है हेमचंद, हेमचंद, ठीक है। तो हेमचंद और ये कहे कि हेमचंद अनुक्रम भी बोलते, सीक्वेंस बोलते, ठीक है। वैसे इसका एंथ क्रम निकाला जा सकता है, इसलिए श्रेणी भी बोल सकते हैं आप, इसका एंथ क्रम भी निकलेगा। इसको कहते क्या है ये समझा सबसे पहले, अपने जो इंडिया में हेमचंद इसका नाम है, ये जो चलती है इसमें इसका जो डेफिनेशन है वो मैं आपको मौखिक रूप से बता दूं कि इसमें क्या होता है कि दो पद होते हैं और आगे वाले दो पद दिए गए होते हैं और आगे वाला पद पहले दो पदों के योग के बराबर होता है, समझे। जैसे इसका पहला पद 0 है और दूसरा पद 1 है, दो पद दिए गए होते हैं, पहला पद 0 है फिर 1 है, ठीक है, और फिर इसके बाद में आगे वाला पद पहले दो पदों का योग होता है, तो फिर आगे वाला पद का जोड़ करो कितना आएगा बताओ, 1 ही तो आएगा, 0 और 1 का जोड़ करेंगे तो 1 ही तो आएगा, फिर इससे आगे वाला पद है वो इन दोनों पदों के जोड़ के बराबर होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे वाला पद इसका जोड़ आएगा तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर इनका जो जोड़ आगे वाला पद है वो इन दोनों का जोड़ होगा तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, फिर 5 3 कितना हो जाएगा, 8 फिर 8 5 कितना हो जाएगा, 13। तो कई बार आपसे ये पूछ लेता है, कई बार आपसे ये पूछ लेता है कि जैसे आपसे ये कह देगा कि फाइबोनेसी या फाइबोनेकी, ठीक है, या फिर अपने कहेंगे हेमचंद जो सीरीज अनुक्रम या फिर श्रेणी, मैं बार बार कह रहा हूं इसका एनवा पद निकलेगा, इसलिए आप श्रेणी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा पद नहीं आता है या कौन सा पद आएगा वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आपसे क्या पूछ सकता है ना। तो आपको ये एकदम फिक्स है कि ये इसके टर्म्स होंगे, ऐसे आगे आते जाएंगे, समझे। तो आपने कभी 11th क्लास में देखा भी होगा एक क्वेश्चन ऐसे था, अगर आपको याद हो तो अपने यहाँ पे क्वेश्चन की बात नहीं करें, थोड़ा सा डिटेल से कर लें, जैसे ए एन उसका एंथ क्रम, ए एन उसका एंथ क्रम की अपन बात करें तो वो एंथ क्रम बनाए उससे पहले देखो ए वन और ए टू बराबर, ए वन और ए टू बराबर, ए वन और ए टू इसके टर्म्स हैं वो क्या हैं, ये ऐसा कोई क्वेश्चन हो उसकी जो वैल्यूज है वो दी गिवन होगी, ठीक है। अच्छा फॉरेन में जो चलती है
फोर एंड में चलती है, उसमें क्या होता है कि ये जो फाइव वन एसी होती है इसमें वन वन होते हैं पहले दो, तो अब ये वन वन होते तो वन वन इनको एड करके फिर आगे आ जाएगा क्या आपका टू आ जाएगा, फिर टू करेंगे तो थ्री आ जाएगा, तो अलग अलग फर्क होता है इसमें। अब ये मान लो कि ये अगर ये दी गई है तो फिर यहाँ पे क्या जाएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे आ जाएगा ए वन और ए टू दोनों फिक्स हो गए, एक हो गए ना हो गए। अब आप ए एन ना निकालोगे इसमें एन ऑट टर्म्स निकालेंगे तो अब आप इसके अंदर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या लिखेंगे कि ये टर्म्स अपने पास आए, तो इस तरह से एन ऑपन यहाँ पे बन जाएगा। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसमें पूरी डिटेल से नहीं जाऊंगा, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि फाइव वन एसी या फिर हेंशन क्या होता है कि उसके अंदर पहले दो पद अगर ये दिए गए हैं चाहे ये वन वन दिए गए हैं तो उसमें आगे वाले पद पहले दो पदों का जोड़ करके आते हैं, बस इतना ध्यान रखना। बाकी इलेवंथ क्लास में अपने इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, उसमें ज्यादा अपने डिटेल से नहीं जाएंगे क्योंकि अपने सिलेबस में टॉपिक नहीं है अपने, तो सिलेबस में जो मेन जो चीज है वो आपको हमने समझा दी है क्या अनुक्रम श्रेणी और श्रेणी तीनों में फर्क होना चाहिए भाई, यहाँ पर बता दिया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर जो अपन पढ़ेंगे समांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे, समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तब तक मस्त रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, आगे बढ़ाएं, दोस्तों को बताएं। ओके बाय।